दार्ष्टान्तिकम् आह। अब जो नाटक दृष्टांत दिया गया था उसको अब घटाएंगे दार्ष्टान्त में। ग्रहांतर्गत स्वल्प गवाक्षा धातु अचल दृष्टांत दी थी, अब उस दृष्टांत को भी घटा देंगे। निज स्थान स्थित साक्षी बहिरंतर्गमागम अकुर्वन बुद्धि चांचल्यात् करोतीव तथा तथा। निज स्थान सदा साक्षी, साक्षी अपने स्थान में रह करके, साक्षी का अपना स्थान कौन होता है? साक्षी को यहीं रहता है क्या? उसका रहने कोई अपना जगह है? साक्षी तो सर्वव्यापक है, ब्रह्म है, वो कहाँ रहता है? फिर कैसा कह दिया निज स्थान सदा साक्षी? निजस्य माने स्व साक्षित्व प्रयोजक मूल अज्ञानस्य, ये निज शब्द से लेना मूल अज्ञान। निजस्य स्व साक्षित्व प्रयोजक मूल अज्ञान से टिप्पण है वहां, टिप्पण नंबर एक। निजस्य स्व साक्षित्व प्रयोजक मूल अज्ञानस्य यत् स्थानम माने अधिष्ठानम कौन है? वह ब्रह्म तत्र स्थितः स्व महिमा में स्थित होकर। कहने का मतलब है ये तो सनत कुमार से नारद ने पूछा ना, वो भूमा भी कहा रहता है स्वे महिमनी, जवाब दे सनत कुमार, जो अपनी महिमा में रहता है भाई, किसी अधिष्ठान में ढूंढो मत इधर उधर, वो अपने मस्ती में मस्त है, अपनी महिमा में रहता है। इसे यहाँ भी कहा है वो कुट साक्षी ब्रह्म में ही है, वो ब्रह्म क्या है, साक्षी से अलग है क्या? अर्थ वो अपने में रह करके स्व से भिन्न किसी अधिष्ठान की अपेक्षा किए बिना साक्षी सबको प्रकाशन कर देता है। ये बोध कराने के लिए शब्द प्रयोग कर दिया निज स्थान स्थित साक्षी। बहिरंतर्गमागम वकुर्वन, और बाहर न भीतर कहीं भी आने जाने का कर्म को कर न करते हुए, बुद्धि चांचल्यात् करोतीव तथा तथा। बुद्धि की चंचलता की वजह से क्या होता है? लगता है साक्षी बाहर आ रहा है जा रहा है, बुद्धि बाहर आ रही जा रही है, और आरोप कर देते साक्षी के ऊपर। बुद्धि क्या करते हैं? वृत्ति को लेकर बाहर जा रही है, और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है, और लगता है चैतन्य ही चला गया, वो चैतन्य ही जाता है ना। इस हम दृष्टांत दे रहे थे ना, गाड़ी जा रही है और अब क्या बोल रहे, लाइट जा रहा है या अंधकार भाग रहा है? ना लाइट भागता है ना अंधकार भागता है, भागता कौन है गाड़ी? और वो कैसा है? न अंधकार रूप है न प्रकाश रूप है गाड़ी। इधर से यहां पर भी है, ये बुद्धि भागती है और आरोप लगा दिया बुद्धिस्त चैतन्य में कि चैतन्य भागता है, कि लाइट कहाँ चल रहा है? ट्रक में तो चल रहा है ना, ट्रक के तो बल्ब लगे हुए हैं, बुद्धिस्त चैतन्य के समान है ट्रक का लाइट, और ट्रक जाते तब कहते लाइट जाता है, सिर्फ बुद्धि जा रही है तब कह चैतन्य जा रहा है। इसे कहते हैं बुद्धि की चांचलता का आरोप साक्षी में पड़ने से लगता है जैसा जैसा बुद्धि करती है वैसा वैसा साक्षी कर रहा है, ऐसे भासित होता है, वास्तव कुछ भी करता नहीं। बुद्धि चांचल्यात् करोति इव तथा तथा माने बहिरंतर गमागम। निज स्थान से इत्यनेन किम बाह्य देशस्तत्व में उच्यते। अब आया अब निज स्थान स्थित कहने से अब बहुत बारी झंझट खड़ा हो जाएगा, वो ऐसे कौन सा देश है जिसमें जो है साक्षी खड़ा होता है? किमाधारो, हमने स्तोत्र में पूछा ना, अरे कौन सी आधार में खड़े होकर शिव जी ने थारा ब्रह्मांड को खड़ा किया? आधार क्या था, कहाँ खड़ा था ब्रह्म जगत को बनाने के लिए? कोई जगत होगा जैसे हम लोग बना, कहीं खड़े हुए कोई काम थोड़े कर पाते हैं। तो अपने जैसे भगवान को समझ रहा है, ब्रह्म को समझ रहा है और पूछ रहा है उसका आधार क्या है। इसलिए यहां पर आप निज स्थान स्थित कहने से पूछा जा रहा है, भाई निज स्थान स्थित इतने किम बाह्यादि देशस्तत्व में उच्यते, क्या बाह्यादि देशस्तत्व को लेकर कह रहे हो आप? तो न इत्याह, न बाहर कोई देश है न भीतर कोई देश, न बाह्यम न अंतरम, न बाह्यो न अंतर साक्षी बुद्धेर देशो ही तौ उभौ बुद्ध्याद्यशेष संशांतौ यत्र बात्यस्ति तत्र सः।
ही अलग पद होना चाहिए, साथ छप गया। ही तौ उभौ बुद्धेर ही तौ उभौ देशौ, ऐसा हो जाएगा। वो दो वास्तव में ये देश जो व्यवहार हो रहा है ना बाहर और भीतर, ये सब बुद्धि का अपना कमाल है। बुद्धि शरीर को अवधि मान लिया है, इस शरीर के अंदर जब घूमती रहती है बुद्धि कहती मैं अंदर हूँ, और इंद्रियों के मन से बाहर जाती है तो कहती मैं बाहर हूँ। तो शरीर को एक अवधि बना करके बुद्धि ही व्यवहार कर रही है अंदर और बाहर देशों की कल्पना। वास्तव में न साक्षी का दृष्टिकोण में न कुछ बाहर है न कुछ भीतर है। बुद्धियादि अशेष संशांत हो, क्योंकि बुद्धियादि समस्त चीज की जब शांत हो जाए सारा व्यवहार खत्म हो जाता है। यत्र भाति अस्ति तत्र सह, जाते हैं कि उपरति हो जाए, उनकी प्रतीति का ही उपरति हो जाए। जहां पर ये सब उपरत हो जाते हैं वो प्रकाश होगा, जिसमें उपरति का ग्रहण कर रहे हैं वही वह साक्षी समझो। यत्र भाति तत्र अस्ति सह, जहां इन सब की उपशांति उपरति भाषित हो रहा है वही वह है समझो। तत्र हेतु महा भाई अंतर कुछ भी नहीं साक्षी का दृष्टि में, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि जो है बुद्धेर देशो ही तौ उभौ तर किम विवक्षितम, ऐसे कहकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि बुद्धि आदि शेष संशांतो, आदि शब्द है ना इंद्रिय आदि वृद्धि गृह्यन्ते, आदि शब्द से इंद्रिय वगैरह को भी ले लेना। संशांत शब्द है ना तत्प्रतीति उपरति विवक्षिता, उन सभी के प्रतीति की उपरति ही विवक्षित है। सर्वहार उपरत देश लोपलभ्यक्ष कहता है सकल व्यवहार को प्रारंभ हो जाए फिर कौन सा देश की व्यवहार होगा, और देश कहाँ रह जाएगा? जब सारा व्यवहार शांत हो देश व्यवहार भी खत्म हो गया ना, फिर निज स्थान स्थित निज देश कौन सा होगा उसका? पूर्व पक्ष कहते नो सर्वहार उपरत देश एवं उपलब्ध है कुछस्त निष्ठत्व उच्चता इत्याशंका कहते स्वाभिप्राय आविष्करो। अरे मेरा कहने का अभिप्राय समझो, यहीं से आजकल लोगों ने सब सीख लिया शास्त्रों से। अरे मेरा अभिप्राय समझो, ठगते हैं। अरे मेरे भाव नहीं था, मेरे भाव नहीं था कहने का, आप गलत समझ रहे हैं। क्या भाव था? कुछ बोलोगे उसमें गलती निकल, ओहो आपने हमारे भाव को भी ठीक नहीं पकड़ा, ये मेरा तात्पर्य नहीं था, और तात्पर्य बिछड़ जाए। यहाँ कहते हैं तो उसका आधार है, आप जो कहते हो उसे कोई आधार नहीं, एक झूठ के लिए दूसरे झूठ को जोड़ने के लिए बोलते जाते हो, इतना ही अंतर है। देश कोपि न भासेत यदि तर्यस्त्व देश भाक सर्वदेश प्रकृत्यैव स्वर्वगत्वं न तु स्वतः। देश कोपि न भासेत यदि यदि कहते हो यह सर्वोपहार गोपप्लव हो जाए, कोई देश भी भाषित नहीं होगा, कोई काल भी भाषित नहीं होगा, देश का सब खत्म हो जाएगा, यदि ऐसे कहते हो अस्तु आदेश भाग कहते ठीक कह रहे हो, उसका कोई देश संबंध भी नहीं है। फिर निज स्थान स्थित का मतलब उसका तात्पर्य यही है कि सर्वदेश भाग सर्वदेश प्रकृत्यैव सर्वगत्तम न तो स्वतः, सर्वदेश संबंध को लेकर के ही सर्वदेशानाम तत्र अज्ञानेन सौरालोके मृग जल कल्लोलानाम इव प्रकल्प्या कल्पनयैव इति आशयः। केवल कल्पना है, जैसे सूर्य की किरणों में आप मृग मरुमरीचिका का जल और जल का भी आवाज सब कुछ कल्पना करते। हाँ, बिल्कुल एकांत शांत कहाँ वहाँ राजस्थान में कोई नहीं मिलेगा, केवल बालू 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 बालू, वहाँ प्यासा हो गए और धूप के कारण से लहर जैसे हो जाता है, जो गर्मी है ना जो रेत है वहाँ, उस रेत इतना गर्म होता है उसे लहर जैसे दिखता है ऊपर, उसको आप जल समझ गए। केवल जल समझा इतना कोई बात नहीं था, लेकिन आवाज बिखरे वो नदी का आवाज आ रहा है, बह रहा है पानी वहाँ पर, आवाज की भी कल्पना कर लिया। वहां कोई आवाज नहीं, चिड़िया भी नहीं वहां पर, कुछ भी नहीं, वहां आवाज कहां से आ जाएगा? और हवा चलता है ना वहां, हवा से वो रेत में ऐसे ऐसे लाइंस बन जाते हैं, देखा होगा,
ऐसे लगता है कोई नदी बहता है, जो नदी कटान होकर के पानी उतर जाता है, ऐसे लगता है पानी यहाँ था अभी भी उतरा होगा, सूख गया है, ऐसे लाइन बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसे आंधी तूफान चलता है, थोड़ा भी होशियार नहीं रहेगा आदमी तो गया हो, खोजते रहो पता ही नहीं चला कहाँ आए हो, कि इधर जो टीला आपने देखा था रेत का वो उधर चला जाएगा। आप इधर से गए और ये सोच रहे हैं हम टीला गिनते जाएंगे, ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ नंबर नंबर लगा करके जाओगे, तो जब तक आओगे तो उधर से उधर चला गया, आप उधर चले जाओगे, वहां दिख रहे टीले, अब उधर उधर जाओ कहीं और भटक जाएगा आदमी। इसलिए वहां के लोकल आदमी को पकड़ के चलना पड़ता है। ऐसे रेगिस्तान में घुसना है तो लोकल लोग उनको सब मालूम है, उनकी दृष्टि दूसरी होती है, वो अपना वो हिसाब से गणना करते, टीले वाले नहीं देखते हैं, उन टीलों से कोई लेन देन नहीं होता उनका, ये पता है रोज ही देखते हैं, सवेरे यहाँ है दोपहर वहाँ है शाम को वहाँ है रात को वहाँ है कल सर तो कहीं है कहीं ये सब पता नहीं कहाँ चले गए और नए टीले आ जाएंगे कहीं और। इतना आंधी तूफान चलता है, रेत का टीला गायब, पहाड़ के पहाड़ गायब, रेत के छोटे छोटे होते हैं रेत के पहाड़ गायब, फिर दूसरे कहीं और बन जाते हैं, बड़ा गजब है। रोड रोड बना रखे हैं इसलिए मिलिट्री वाले, तो कहते मरु मरीचिका जल में कल्लोल आदि भी जैसे कल्पना कर लेते हो, उसी प्रकार से ब्रह्म में सर्वदेशी कल्पना हुई है, और ये यावत देशी कल्पना तुम क्यों, सकल देशों के साथ ब्रह्म का संबंध है कि ब्रह्म ही कल्पित है, अतएव ब्रह्म को हम सर्वग सर्वघत्व है, सर्वदेश प्रकृत कल्पना सर्वगत्व न तो स्वतः न स्वतः ब्रह्म न सर्वगामित्व है न सर्वज्ञत्व है, जितने भी हम करें सर्वज्ञ है वो, सर्वांतर्यामी है वो, सर्वग सर्वव्यापी है वो, सर्वगमने सर्वव्यापित्व, ये सब कल्पित देश कल्पित पदार्थों को लेकर के ही व्यवहार होता है। स्वतः ब्रह्म में न ब्रह्म सर्वज्ञ है न तो ब्रह्म सर्वगामी है, सर्वव्यापी भी नहीं है, जितने भी विशेषण देते हो ये वास्तव में कुछ भी उस ब्रह्म में नहीं है। देशादि कल्पनाधिष्ठानस्य स्वातृत्व देश अपेक्षा नास्ति, है ना, देशादि की कल्पना का अधिष्ठान होने के नाते उसको अपने से भिन्न किसी देशादि की अपेक्षा ही नहीं है। इति भाव देशादि अभावे शास्त्रे सर्वगत्व सर्वसाक्षित्वादि उक्तिर विरुध्यत, ये देशादि कुछ भी नहीं सारा कल्पना ही है, फिर ये कैसे कह दिया उस ब्रह्म को वो सर्वगामी है सर्वव्यापी है सर्वसाक्षी है सर्वज्ञ है, स्वाभाविक कल्पित ही है, उस सर्वज्ञत्व भी कल्पित है सर्वेश्वरत्व भी कल्पित है सर्वव्यापित्व भी कल्पित है, सारा चीज कल्पना ही है, फिर स्वाभाविक कुछ भी नहीं है क्या, यह स्वाभाविक कुछ नहीं तो मानो उसके अंदर इत्यतः न तो स्वतः ही थी, कुछ नहीं माना जा सकता, अद्वितीयत्वात् असंगत्वात् चेति भाव, क्यों नहीं मान सकते हो, क्योंकि एकमेव अद्वितीयम् श्रुति कह रही है, असंगो ययम् पुरुषः कह दिया है, जिसमें किसका संग नहीं जिसका कोई दूसरा है ही नहीं वहां पर कैसे मान लेंगे, उसमें अमुक चीज है, अतएव स्वतः कुछ भी नहीं है, सर्वगतत्ववत् सर्वसाक्षित्वमपि न वास्तवमित्याह, इस सर्वगतत्व के समान सर्वसाक्षित्व वाक्य में वास्तविक नहीं है। अंतर बहिर्वा सर्वं वा यम देशं परिकल्पयेत् बुद्धिस्तद् देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्, अंतर बहिर्वा सर्वं वा अंदर हो बाहर हो चाहे सब कुछ, यम देशं परिकल्पयेत् अंतरदेश बहिर्देश या सर्वदेश जो कुछ बुद्धि कल्पना कर लेती है तद् देशगः साक्षी, वहां साक्षी जरूर रहेगा पहले से, क्योंकि बुद्धि कोई कल्पना करेगी तो कोई ना कोई अधिष्ठान भी तो कल्पना करेगी, किस अधिष्ठान में कल्पना करेगी, वो चैतन्य में कल्पना करेगी, ब्रह्म में कल्पना कर सकती है और कहीं तो कल्पना नहीं कर सकती, अतः जहां भी जो कुछ भी कल्पना होती हो वह कल्पना का आधार रूपेण अधिष्ठान रूपेण ब्रह्म पहले से विद्यमान है, अतएव उसको सर्वव्यापी कह दिया जाता है कल्पना की वजह से ही, बुद्धि तद बुद्धि यम यम देशम परिकल्पे तत् तद देशगः साक्षे तथा वस्तु सुयोजये, इसी पर वस्तुओं में भी जो जो वस्तु की कल्पना होगी उस कल्पना का अधिष्ठान
रूपेण ब्रह्म विद्यमान है, इसे उसको सर्वज्ञ भी कहते हैं। आप में विद्यमान उसको आप जैसे जानते हैं वैसे प्रकार से, आप में विद्यमान क्या है आप नहीं जानते हैं। हाँ, थोड़ी मोटी बुद्धि हो तो नहीं भी जान पाएगा, चिंटी जा रहा है उसे क्या मालूम चिंटी चल रहा है। कई होते हैं पता ही नहीं होता है, मोटी बुद्धि है नहीं तो हल्का से कुछ भी स्पर्श भी हो जाए तो मालूम हो जाएगा उसको। अब भैंस जैसे चमड़ा, भैंस की चमड़े जैसे चमड़ा वाले को क्या पता चलना है, न ठंडा गर्म न चींटी न सिया न तो अब मच्छर कुछ भी नहीं, या तमोगुणी हो दारू पी के पड़ गया उसको क्या मालूम। आम आदमी को सब मालूम हो जाता है, ये अधिष्ठान आप हैं और आप रूपी अधिष्ठान में जो भी आ जाए आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। और जितनी जितनी मन बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है उतनी उतनी और स्पष्ट होती थोड़ी होती है। इसलिए कहते हैं कि तथा वस्तु तथा वस्तु प्रपंच उसी को और सर सर समझाते हैं वस्तुओं में कैसे कल्प्येत बुद्ध्या तत्त प्रकाशयन तस्य तस्य भवेत साक्षी सतो वाग् बुद्ध्य गोचर यद्यद्रूपादि कल्प्येत, जो जो रूप रस गंध पर सारा संसार कल्पना हो रहा है बुद्ध्या तत्त प्रकाशयन, बुद्धि के द्वारा जो जो रूप रस आदि कल्पना होते जाते हैं संसार घट पट मठ सारा जो कुछ भी है तत्त प्रकाशयन, उनको प्रकाशित करता हुआ तस्य तस्य साक्षी भवे उसका उसका साक्षी रूपेण ब्रह्म को मान दे। इन वास्तव में उसको साक्षी भी कहा नहीं जा सकता है, क्यों वाग बुद्धि गोचर वांग मनसातीत है वो यथो वाचो निवर्तन प्राप्य मनसा, तो वाणी बुद्धि का अविषय होने के नाते किम तस्य निजम स्वरूपम इत्यतः, फिर उसका निज रूप क्या होता है तब कहते वो तो वाणी मन आदि किसी का विषय ही नहीं होता है, वो उसका अपना असली रूप है। स्वतः वाग बुद्धि अगोचर है, स्वतः वाग बुद्धि आदि का वो अगोचर है। अवांग मन से गोचरते मुक्षुना न गृहत इति शंकते, यदि वांग मन का विषय नहीं है फिर तो मोक्ष के द्वारा ग्रहण ही नहीं होना चाहिए, कैसे ग्रहण कर पाएगा वो इति शंकते। कथं तादृङ्मया ग्राह्य इति चेत् मैव गृह्यतां सर्वग्रहोपसंशान्तो स्वयमेवावशिष्यते, आप ग्रहण करने की चेष्टा करोगे तो ब्रह्म पकड़ में आने वाला ही नहीं है। ये तुम ग्रहण करने की बात कर रहे हो मुमुक्ष होकर के, सबसे बड़ा मूर्खता का काम कर रहे हो, नहीं सकता उसको ग्रहण करना। जो ब्रह्म को ग्रहण करने की चेष्टा करेगा वो कोई ब्रह्म को पा नहीं सकता, तो स्वरूप है उसका कहाँ से करोगे, कैसे ग्रहण करोगे, किससे ग्रहण करोगे, जिससे सबको ग्रहण कर रहे हो उसको ग्रहण कहाँ से करोगे आप। इसलिए कहते हैं कथम तांद्रिक मया ग्राह्य, मुमुक्षु ने पूछा महाराज जो वाणी मन का विषय ही नहीं है उसको मैं कैसे ग्रहण करूं। यदि चेत मई वग्रियता, अरे भाई ग्रहण करने की बात मत करो, ग्रहण मत करो, ग्रहण करने कोशिश मत करो, चेष्टा ही नहीं करना ग्रहण करने की। जैसे अगर बताया था ना एक आदमी जो है महात्मा भगवान को ढूंढते फिरा, ढूंढते फिरा ब्रह्म कहाँ ईश्वर कहाँ है, मिलाओ मिलाओ, जहाँ जा गया सबसे पूछता था वो कहते वहाँ जाओ, वो कहते वहाँ जाओ, वो कहते वहाँ जाओ, जहाँ जा भेजा गया वहाँ वहाँ दौड़ते 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 गया, वंत वापस लौट आया हरिद्वार थके थके बेचारा, कहीं भी उसको ब्रह्म नहीं मिला। कोई महात्मा कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसा करो वैसा करो तो भगवान का अनुभव में आ जाएगा, सब कर करा करके फेल होकर के आ गया, बहुत दुखी होकर बैठा था। तो महात्मा नहाए नहाने आया वहाँ हरिद्वार में, तो उस महात्मा से पूछा महाराज आप बताओ इतना गंगा जी में नहाते हो तो क्यों नहाते हो। वो कहता है कि मैं कहाँ नहाता हूँ, मुझे नहाने की जरूरत ही नहीं है। कौन नहा रहा है, शरीर नहाते रहता है, ऐसे क्यों नहाता है वो, तुम जाने उसके अपने प्रारंभ कर्म नहाते रहता है। मैंने कहा पागल है क्या, नहीं मैं नहीं पागल हूँ तुम पागल हो। करे मैं क्यों पागल हूँ, और क्या, अरे यार दुनिया में भगवान को ढूंढने वाला हो वो पागल नहीं तो और कौन पागल हो सकता है। तो सोचे महात्मा को सिद्ध है, इस कैसे मालूम हम सब घूम घाम के आए हैं। तो पैर पकड़ लिया, महाराज माफ कर दो आप तो बड़ा ब्रह्मज्ञानी है, फिर तो
हमें बताओ हमें भगवान कैसे मिलेंगे। मैंने कहा ऐसे करना, यहीं बैठे रहो और गंगा जी में देखते रहना, ये जो मछलियाँ जा रहे हैं ना देखते रहना इनको, एक हरे हरे रंग का बड़ा मछली आएगा वो भगवान है, उसको पकड़ लेना, पैर पकड़ो ऐसे मछली को पकड़ो, ईश्वर पकड़ में आ गया। अब कहाँ हरे रंग का मछली आने वाला है, आओ बैठा हुआ है लेकिन देख रहे, विश्वास हो गया उसको, सिद्ध पुरुष बोल रहे हैं तो विश्वास होकर बैठा रहा देखते उसको ही समाधि लग गई। उसको डर है कि आँख बंद करूँ, एक पलक भी इधर उधर करूँ तो कहें उस समय निकल जाए तो फिर पापा कहेगा तू तो आँख बंद किया, समय चला गया ईश्वर आ करके दर्शन देख कर, तो पकड़ नहीं पाया। इसे एक पलक भी न गिराते लगातार एक टक हो गया, एकाग्र हो गया तो उसको समाधि हो गई, तो ब्रह्मानुभूति हो गई। तब वो कहता क्या है, उसकी वाणी सुनो, ढूंढत फिरत हम सब जग माही, ढूंढत फिरत हम सब जग माही, मूर कथा और नाही, खुद को न जाने ढूंढे ईश्वर को, इसे बड़ और मूर्ख कौन है। अरे सारे जग में मैं ढूंढते फिरा, इसे बड़ी मूर्खता और क्या होगा, जो खुद को न जाने और ईश्वर को जगत में ढूंढे, इसे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं है। वो तो खुद के अलावा है ही नहीं, अलग कहीं कुछ भी कहां ढूंढोगे, ग्रहण करने कोश कर पकड़ में थोड़े आएगा वो। इसलिए कहते मैं गृही आता हूं, उसको ग्रहण मत करो, सर्वग्रहोपशांतो स्वयमेव अवशिष्यते, जितना तुम ग्रहण कर रहा ना उन सबको शांत कर जाओ, चित्त वृत्ति निरोध कर दोगे तो स्वयमेव अवशिष्यते और स्वयं भाषित होते रहेगा। अग्रायत्वम इष्टम एव इत्याह, एक तरह से ग्रहण नहीं होता है तो इष्ट ही है वो, ननु आत्मनो ग्राह्यत्व भावे विचारेण विनिष्ठायां मायायां शिष्यते स्वयं, अपने पहले कहा था। इत्युक्तम परमात्म विशेषणम न सिद्ध्येत इत्यतः, आपके द्वारा कहो परमात्मा विशेष रह जाता है ये कैसे सिद्ध होगा, तब कहते सर्वग्रहे दी स्वात्मातिरिक्त सिद्वैतस्य मिथ्यात्वेन, अपने आत्मा से अतिरिक्त सकल द्वैत मिथ्या होने के कारण से मिथ्यात्व निश्चय मात्र से तत्प्रतीति उपशांत, उसके प्रतीति भी उपशा आपके लिए समाप्त हो जाएगा। स्वात्मैव सत्यतया अवशिष्यते, एकमात्र आत्मा सत्य रूपेण भासित हो इति भाव। यद्यपि उक्त न्याय ने स्वात्मा परिशिष्यते, यद्यपि आपने तो बड़ा युक्ति से तर्क से तो समझा दिए कि अवशेष हम ही रह जाएंगे, तथापि तद अपरोक्षाय किंचित प्रमाणम अपेक्षितम, लेकिन वह अपरोक्ष होता है इसमें क्या प्रमाण है, कैसे अप्रोक्ष होगा, कौन करेगा, किसे करेगा, आदमी की आदत खराब है हमेशा किसी अप्रोच करता है वो किस साधन से करता है, अंक आदि के द्वारा, इसे उसके भी अप्रोक्षता के लिए कोई प्रमाण ढूंढ रहा है, किस प्रमाण से उसका अप्रोक्ष होगा। न तत्प्रमाण अपेक्षास्ति स्वप्रकाश स्वरूप तादृपत्यपेक्षा चेत श्रुति पठक गुरोर मुखा, न तत्र मान अपेक्षा, वास्तव में उसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, क्यों सब प्रकाश स्वरूप, तो सब प्रकाश स्वरूप है, उसके लिए अन्य कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं, चक्षुरादि प्रमाणों के द्वारा उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर भी कहते नहीं मुझे कौन कोई प्रमाण चाहिए, मेरे प्रमाण के बिना मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा, तो प्रमाण तर फिर श्रुति प्रमाण है, श्रुति उनको पढ़ो गुरु से, तादृक व्युत्पत्ति अपेक्षा अच्छे, यदि उस प्रकार की जो प्रमाण आदि की अपेक्षा आपको है फिर तो गुरोर मुखा श्रुति में पठ, गुरु के मुख से श्रुति को पढ़ो, श्रुति ही प्रमाण है। तत्र हेतु महा स्वप्रकाश इति, आत्मन स्वप्रकाशतया स्वतस्फूर्त मानम नापेक्षति इति व्युत्पत्ति सिद्ध है, मानम अपेक्षितमिति आशंक्य, आत्मन स्वप्रकाशतया आत्मा का स्वप्रकाश होने से स्वतस्फूर्त मानव ना अपेक्षते, उसके स्वतः प्रकाशित होने के लिए कोई अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होता। इस व्युत्पत्ति सिद्ध है, इस व्युत्पत्ति को इस ज्ञान का सिद्धि के लिए मानव अपेक्षितम, ये ज्ञान भी कैसे सिद्ध हो जाए यदि अपेक्षा करते हो, श्रुति रेव तत् प्रमाण मिथ्या, श्रुति से ही अब बात साबित हो सकती है और अन्य कोई रास्ता नहीं।
एवं उत्तमाधिकारी आत्मानुभवोपाय अभिधाय, इस तरह से उत्तमाधिकारी सकल सकल वृत्तियों को उपशांत करके अनुभव कर लेगा, और मध्यमाधिकारी श्रुतियों के पीछे जाएगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, मंदाधिकारी ने स्तम दर्शयति, यदि सर्वग्रह त्यागो अशक्य स्तरिधि अंग्रज शरण तदीनोतर बहिर्वैशोनुभूयताम। ये सर्वग्रह त्याग अशक्य अशक्य है, ये सकल प्रकार के ग्रहण का त्याग करना असंभव है तुम्हारे लिए, सकल इंद्रिय वृत्तियों का निरोध करना असंभव है। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो तभी धियम शरणम व्रज, बुद्धि के शरण में जाना। इसलिए हम लोग क्या करते, सरस्वती स्तोत्र पर पाठ करते, हे माता कृपा करो, अपनी दम तो है नहीं इसको पार करने का, अब तू ही कृपा कर, जाना पड़ेगा बुद्धि के शरण में। हम लोग क्या, जब वो राम जी के वनवास का मामला उठ रहा था, वनवास जाए रहे राम जी, सारी देवता परेशान हो गए, अब क्या होगा, काम कैसे काम होएगा, सब देवता मिले इंद्र के पास, इंद्र गया बृहस्पति के पास, बृहस्पति सबको लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज कैसे होगा, सबको ठीक ठाक चल रहा है वहां काम अयोध्या में, राम जी जंगल कैसे जाएंगे, रावण को कैसे मार पाएंगे। तब ब्रह्मा जी सोचे, मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो कैसे कार्य सिद्ध होगा, कहते एक तरीका है, सब सरस्वती के चरण में आ जाओ, सरस्वती से प्रार्थना करो, मैया तू ही किसके दिमाग को घुमा दे उल्टा सुल्टा, ताकि जो है राम जी जंगल जावे। तो वो भी सोचे मैं कैसे करूँ, अब ठीक है भाई, किसी को ढूंढते हैं जिसकी बुद्धि फेरी जाए। तो सरस्वती मैया ने मंत्रा को सेट कर, मंत्रा की बुद्धि पर चढ़ गई और घुमा दी सारा मीटर उसका, हाँ वो जगह कई कई को कह के जगह, दशरथ को दशरथ राम को बुला के छुट्टी कर दिया। अनुभव ब्रह्मा जी जैसे लोगों को भी अंत में सरस्वती के शरण में जाना पड़ता है कार्य सिद्धि के लिए, या नहीं, तो फिर हम लोगों को तो जाना ही पड़े, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। स्वकार्य क्या है, हमारे कार्य मुक्ति है, ज्ञान सिद्ध होना चाहिए, इसलिए कहते हैं आप बुद्धि के शरण में जाना, ध्यम शरणम व्रज तद अधीन सन, और उसके अधीन होकर के, अर्थ उसको पटा करके मना करके सेटल करके अपना पक्ष में, श्रुतियों के आधार पर, चाहे भीतर उस ब्रह्म को अनुभव करो चाहे बाहर ब्रह्म को अनुभव, तेरी मर्जी, जहां चाहे वहां तुम ब्रह्म को अनुभव कर सकते हो। अंतर बहिर्वा एशो अनुभूयता, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, कहीं ना कहीं तेरे को ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा, कि सर्वत्र ही है ब्रह्म, बुद्धि जहां छाएगी वहां ब्रह्म को दिखा देगी, आपको अनुभव करा सकती है। और एक बार कहीं भी अनुभव हो जाए तो आपका स्वरूप के अलावा कुछ है नहीं, इसलिए स्वभेद स्वाभेद अनुभव हो जाएगा, जो स्वभिन्नत्व प्रकाशित हो जाता है वह अंत में स्वाभिन्नत्व अनुभूत हो जाएगा, तो मुक्ति हो जाती है। बुद्धि शरण तो किम फलम, बुद्धि के शरण में जाने से क्या फल होगा, वो भी भटका देगी, तो कहते नहीं नहीं ऐसा होगा नहीं, श्रुति को लेकर के बुद्धि के साथ रहना है आपने, केवल बुद्धि के शरण में जाओगे तो दुनिया में ले जाएगी, ओके चलो बड़ा आश्रम बनाएंगे वहाँ, नहीं ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, दुनियादारी में फंसा देगी बुद्धि, बुद्धि के अकेलेपन में नहीं जाना, अपने साथ शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र रूपी अस्त्र सहित बुद्धि, तब काम करेगा, नहीं तो वासनाएं हैं उसके पास, तो उसकी भी कोई दोष नहीं, बुद्धि के पास पहले से वासना है दुनिया भर की, उन वासनाओं को लेकर आपको ले चलेगी अपने रास्ते, आपको अपने रास्ते चलना पड़ेगा ना। इसलिए पहले क्या कहा था, गुरुर मुखात श्रुतिम पठा, गुरु के विषय पहले श्रुतियों को पढ़ो, ता श्रुति की सहायता से युक्त होकर के बुद्धि के शरण में जाओ, तब बुद्धि उन श्रुति आधारित होकर के आपको स्वरूप का अनुभव करा देगी, चाहे वो शरीर भीतर करावे चाहे बाहर करावे, कहीं भी खराबे करा दे। बुद्धिया यद्यत परिकल्प्यते बाह्यम आंतरम वा तस तस साक्षित्वेन तद अधीन सन परमात्मा तथैव अनुभूयताम। कहने का मतलब, क्योंकि बुद्धि जो जो परिकल्पना करती चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, उसके साक्षी के रूप में ना आपका अपना स्वरूप को ही वो बोध करा देती। बाह्यम आंतरम वा, बुद्धि कल्पना कर रही है चाहे बाहर कल्पना कर रही है वो कोई चीज, चाहे भीतर कल्पना करती है वो चीज,
लेकिन कैसे आपको बोध कराएगी कल्पना में, कहते कल्पना का अधिष्ठान रूपेण, कल्पना का प्रकाशक रूपेण बुद्धि आपको उस तक पहुंचा देती है, उसको अनुभव करा देती है बुद्धिया। हाँ, यद्यपि परिकल्पित बाह्य मंत्र वा तस्य तस्य साक्षित्वेन उनका उनका साक्षी रूपेण तद अधीन परमात्मा तथैव अनुभूयताम, इस तरह से बुद्धि के अधीन होकर के बुद्धि उसके कल्पित वस्तुओं साक्षी रूपेण उस परमात्मा को आप भी अनुभव कर लेवे। इस प्रकार से दशम प्रकरण के साथ साथ पंचदीप प्रकरण भी पूरा हो गया, पंच विवेक प्रकरण पंचदीप प्रकरण पूरा हो गया है और अब पंच आनंद प्रकरण शुरू होगा। पंचान में सबसे पहले योगानंद आता है, उसके बाद आत्मानंद, उसके बाद अद्वैतानंद, विद्यानंद और अंत में विषयानंद नामक प्रकरण, पंच आनंद प्रकरण को भी शुरू करेंगे।